बात बताने आया हूँ। मैं फिर से शाहीन को लेकर ममूले से लड़ाने आया हूँ। इस दादे फसा की महफिल में हक बात कहने का दस्तूर मैं इस तस्वीर को बोलूँगा। बात बताने मरकज तकबीरुल इस्लामिया के चमकते हुए रोशन ताबूता सितारों और मेरे मकतब साथियों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस मौजूद सुहन को बयान करने के लिए अपने होंठों को जुम्बश देना चाहता वो है अजमत सहाबा कराम अंबिया कराम के बाद वो मुफसर खुशियाँ हैं जिनका पूरी कायनात में कोई सानी नहीं। सहाबा कराम वो अजीम हस्तियाँ हैं जिन्होंने इस्लाम की खातिर मारें खाई। कभी रेत के टेलों पर लिटा दिया गया, कभी आग के अंगारों पर, कभी इनके जिस्मों पर भारी पत्थर रख दिए गए, कभी ऊंट के पीछे बांधकर ऊंट को चला दिया गया, कभी भूख और प्यास से सताए गए, लेकिन इनके ईमान में जरा भर भी लर्जिश न आई। हजरत वो है सहाबा जिनका ईमान अल्लाह को इतना पसंद आया, कहा अगर ईमान लाना चाहते हो तो सहाबा जैसे मामले बन जाओ। فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وہ ہیں صحابہ جو قرآن نے کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے کر اولئک هم الفائزون کہا وہ ہیں صحابہ جن کو قرآن نے اولئک هم الفائزون کہا وہ ہیں صحابہ جن کو رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم کا انعام ملا وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ اسباب ذوالفقار وہ ہیں صحابہ جن کا جن کے کردار کا اخلاق کی گواہی کو قرآن دیتا ہے۔ آپس میں بڑے نرم ہیں، کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں۔ آخر میں جاتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا نیشوک سے نام صحابہ کا اگر چلتا عام صحابہ کا اگر جن